हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड में स्थानीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में काफी समय से हेडपंप खराब होने के कारण छात्राओं को पेयजल हेतु काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। उक्त समस्या को लेकर प्रधानाचार्य अर्चना चौहान ने कस्बे के पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास को अवगत करवाने पर उनके द्वारा प्रेरित करने पर भामाशाह दिनेश कुमार पुत्र रूपाराम प्रजापत ने विद्यालय में बंद पड़े हेडपंप में 50,000 की लागत से मोटर पाइप लगवाकर पेयजल व्यवस्था सुचारू करवाई। संस्था प्रधान अर्चना चौहान ने दिनेश कुमार पुत्र रूपाराम प्रजापत का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान कस्बे के सुंदरकांड मंडल की ओर से वाटर कूलर, 20 ट्यूबलाइट, 15 छत पंखे भेंट किए गए। मौके पर पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास, नगर अध्यक्ष दिलीप खाटेट, शिवचंद दादिच, महेंद्र शिवधारा, संजय सिंह चौहान, महेंद्र कुमावत, कमल सोनी, महेंद्र चौधरी, शारीरिक शिक्षक मूलाराम सुमन, इंदु भटनागर, राम नारायण सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं आए हुए अतिथियों व भामाशाह का प्रधानाचार्य अर्चना चौहान ने आभार व्यक्त किया। जागरूक टीवी के लिए पाली से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।